हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्यालय अधिष्ठाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में आई हुई वैकेंसी के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहां पर मेडिकल कॉलेज जबलपुर में वैकेंसी आई हुई है और गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है। यहां पर कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसी नहीं निकली है, यह जो वैकेंसी है यह रेगुलर बेस पर वैकेंसी निकली है। तो इस वैकेंसी के बारे में हम सारी जानकारी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह जो नोटिफिकेशन है 27/4/2022 को बना हुआ है, लेकिन इसके जो आवेदन फार्म है वो 25/5/2022 से स्टार्ट हुए हैं। तो इसमें आप यहां पर देख सकते हैं विज्ञप्ति सूचना लिखी गई है, और विज्ञप्ति सूचना के बाद इसके आगे हम देखें तो यहां पर सारी जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं कि एक्सरे टेक्नीशियन की वैकेंसी निकली है। तो एक्सरे टेक्नीशियन के यहाँ पर 3 पोस्टें हैं। इसके बाद यहाँ पर TV HV के 2 पोस्टें हैं, उसके बाद डाइटिशियन की 1 पोस्ट है, उसके बाद सोशल वर्कर की 1 पोस्ट है, इसके बाद सहायक Grade 3 या फिर ऑफिस असिस्टेंट Grade 3 के यहाँ पर 2 पोस्टें हैं, और उसके बाद यहाँ पर भृत्य की 2 पोस्टें हैं। अब इसके बाद यहाँ पर अगर शैक्षणिक क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो शैक्षणिक क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्सरे टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर आपको जो है बायोलॉजी केमिस्ट्री तथा फिजिक्स से आपको 12वीं पास होना चाहिए, और उसी के साथ में आपको मान्यता प्राप्त संस्थान से रेडियोग्राफर का आपके पास डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद आपका मध्य प्रदेश सह चिकित्सीय परिषद का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर TB HV की जो वैकेंसी है उसके लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है उसमें लिखा है कि भारत सरकार के RNTCP कार्यक्रम के मापदंडों के अनुसार निर्धारित योग्यता आपके पास होनी चाहिए, जिसमें कि आपके पास ग्रेजुएशन या फिर इंटरमीडिएट आपको होना चाहिए, और उसके साथ आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए जो कि MPW LHV ANM या हेल्थ वर्कर के रूप में होगा। और इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि अतिरिक्त अर्हता में आपको MPW की ट्रेनिंग आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर डाइटिशियन की पोस्ट लिखी गई है, जिसमें आपके पास MSc होना चाहिए या फिर MSc+ Dietetics होना चाहिए, और हॉस्पिटल में डाइटिशियन के पद पर 2 साल का अनुभव होना चाहिए। सोशल वर्कर के लिए आपका जो सैलरी है वो 2100 ग्रेड पे रहेगा, 5200 से 20200, और यहाँ पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मेडिकल सोशल वर्कर की स्नातक उपाधि आपके पास होनी चाहिए या फिर MSW आपके पास होना चाहिए। इसके बाद ऑफिस असिस्टेंट Grade 3 की हम बात करें तो यहाँ पर आपने हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण की हुई हो, और साथ में आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, और इसी के साथ में आपको CPCT उत्तीर्ण होना जरूरी है। अब CPCT जो है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर हिंदी से उत्तीर्ण होना जरूरी है। अगर आपने हिंदी की जो टाइपिंग है वो पास की हुई है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपको कंप्यूटर सब्जेक्ट जो थ्योरिटिकल होता है, 75 नंबर का जो थ्योरी का पेपर होता है, उसमें भी आपको पास होना है, और उसके साथ आपको हिंदी में भी आपको पास होना है हिंदी टाइपिंग में। इसके बाद भृत्य की जो पोस्ट है उसके लिए आपको 8th पास होना जरूरी है, और उसमें लिखा गया है कि महंगाई भत्ते और अन्य भत्ते शासन के नियमानुसार देय होंगे, और उसके बाद जो कर्मचारी है उन पर नवीन पेंशन योजना प्रारंभ की जाएगी, नवीन पेंशन योजना लागू रहेगी। इसके बाद यहाँ पर आरक्षण के बारे में बता गया है। इसके बाद आयु सीमा के बारे में लिखा है कि आयु सीमा 18 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए, और उसके बाद अधिकतम जो है वो 40 वर्ष UR के लिए, और OBC SC ST के लिए 45 वर्ष यहाँ पर आयु सीमा रखी गई है। इसके बाद आगे हम यहाँ पर देखें तो इसके आगे दी गई है जानकारी कि आपकी क्या एप्लीकेशन फ़ीस इसमें लगने वाली है। तो एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सरे टेक्नीशियन की और TB HP डाइटिशियन सोशल वर्कर सहायक Grade 3 और भृत्य, इन सभी के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस लिखी गई है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस पूरी तालिका में एप्लीकेशन फ़ीस दिखाई गई है अलग अलग कैटेगरी के लिए और अलग अलग पोस्ट के लिए, यहाँ पर अलग अलग जो है एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि इनकी जो चयन प्रक्रिया वो क्या होने वाली है। तो नीचे से अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो भृत्य सहायक Grade 3 की जो चयन प्रक्रिया है उनमें डायरेक्ट यहाँ पर आपका मेरिट बनाई जाएगी, और उसके अलावा सोशल वर्कर, डाइटिशियन, TV HP और एक्सरे टेक्नीशियन, ये 4 जो है इनके लिए यहाँ पर MP Online द्वारा लिखित परीक्षा ली जाएगी, और उसके बाद मेरिट सूची तैयार की जाएगी।
तो इस तरह से फ्रेंड्स इसके लिए आपको आवेदन कैसे करना है, तो एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट के माध्यम से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन को फिल करने के बाद आपको इसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, और उन सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद आप इसका फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको इसके लिए आवेदन करना है। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो के बारे में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।